हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा मायके में मेरा दिन कैसा गुजरता है तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे घर में शॉपिंग शॉपिंग और बस शॉपिंग ही चल रही है इस टाइम पे। अभी तो हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी खाना वाना बना के फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। तो बस इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि चलो सुबह ही सुबह पहले पापा तो ड्यूटी निकल जाते हैं, मम्मी उनके लिए सुबह ही खाना बना देती हैं, पैक कर देती हैं उनका टिफ़िन, लेकिन रह जाता है हम लोगों का खाना। और लवली बाजी भी आ गई हैं, फैजू भी है साथ में, तो बस इसीलिए यहाँ पे बन रहा है मेरे लिए मैगी। ये नेपाल से मंगाई है, हमारे बगल में एक आंटी रहती हैं, उनका एक बेटा गया था नेपाल, तो वहाँ से ये जो मैगी है वो लेकर आया है। तो बस मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, बना रही हूँ। चलो बनाते हैं आज, नेपाल में कैसी मैगी मिलती है। हम तो अपने यहाँ की खाते ही हैं लेकिन नेपाल की खा कर देखते हैं। तो बस मैं यहाँ पे बना रही थी और साथ ही साथ में मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो इसमें मैंने मसाला भुनने के लिए रख दिया है, मसाले में बस वही है मैंने लिए हैं, प्याज लहसुन टमाटर को एक साथ में पीस लिया है फ्राई करके, उसके साथ में थोड़े से गर्म मसाले ऐड कर दिए थे और ये मसाला अच्छे से भुन रहा है। उसके बाद मैं मस्त मटर डाल देनी है, मटर अच्छे से थोड़ी सी गल जाए उसके बाद मैं पनीर ऐड कर देना। पनीर हमको सबसे लास्ट में ऐड करना है। तो ये जो मटर पनीर की जो सब्जी थी मसाला सब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी सभी लोगों को। और यहाँ पर मेरे साथ साथ में बन रही है मैगी भी, और सिंपल सी मैगी बना रही हूँ, कोई फ्राई वगैरह नहीं किया मैंने, टमाटर मिर्ची प्याज वगैरह नहीं डाले हैं इसमें और ना ही तेल डाला है, ऐसे ही मैंने बनाया है सिंपल सी मैगी जो हम पानी के साथ में उबाल कर ऐसे ही बना लेते हैं। और उधर साइड आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे लवली बाजी बर्तन धो रही हैं, तो बस इसमें मटर ऐड कर देनी है और मटर को अच्छे से थोड़ी देर के लिए गलने देना है मसाले के साथ में। तो ऐसे ही हम दोनों बहनें मिलके या फिर मम्मी, हम तीनों लोग मिलके जल्दी से जल्दी काम करना करने का सोचते हैं कि जल्दी से काम हो जाएगा तो फिर हम लोग मार्केट जाएंगे, क्योंकि हम लोग फिर शाम के टाइम में मार्केट जाते हैं तो फिर रात हो जाती है और फिर पापा भी रहते हैं, तो पापा बोलते हैं कि इतना टाइम लगा लेती हो मार्केट में। और फिर देखो सगाई की शॉपिंग है तो टाइम तो लग ही जाता है, हर एक चीज़ अपन हमको देखनी होती है कि हमको सही प्राइस में भी मिले और सही चीज़ भी मिले, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बस कल से सभी लोग आ जाएंगे और घर में बड़ी ही रौनक सी लगने लगेगी, और कल हमारे यहाँ रिश्तेदार में शादी भी है तो हम लोग को वहाँ पे भी जाना है। तो कल फिर हमारी बड़ी मम्मी बड़े पापा वगैरह ये लोग आ जाएंगे और हमारे चाची वगैरह खाला वगैरह सभी लोग आने वाले हैं घर में, तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, घर में रौनक लगने वाली है और घर में कुछ प्रोग्राम होता है तो अच्छा लगता ही है। वैसे तो घर में तीन लोग ही रहते हैं मुझे तब नहीं अच्छा लगता था, लेकिन जब साथ में सभी लोग रहते हैं सब लोग आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मटर तो अच्छे से गल गई है, उसके बाद में मैंने डाल दिया यहाँ पे पनीर। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया था, पनीर को मैंने पीसेस किए हैं, कच्चा ही पनीर मैं डाल रही हूँ इसमें। तो कोई और मसाला तो था नहीं घर में, तो फिर मैंने छोले मसाला इसमें ऐड कर दिया। कोई भी मसाला हो किसी भी सब्ज़ी में डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वही जो हम बना रहे हैं वही मसाला हो। तो मेरे पास छोले मसाला पड़ा हुआ था तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और फिर बिल्कुल थोड़ा सा ही पड़ा हुआ था तो फिर इसको ख़त्म भी करना था इसलिए मैंने डाल दिया, और इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट भी आया है सब्ज़ी में। और मैं ढूंढ रही थी कसूरी मेथी तो वो मुझे मिली नहीं, मैंने मम्मी से भी पूछा था, मम्मी भी भूल गई कि मैंने कहाँ रख दिया है, क्योंकि अभी इस टाइम पे ऐसा ही हो रहा है ना कि हम कोई भी चीज़ देखो तीन लोग हैं तो तीन लोग के हाथ लग रहे हैं, कोई भी किसी भी जगह पे रख दे रहा है तो ऐसे नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पे निकालती हैं मम्मी मलाई निकाल कर रख लेती हैं, क्योंकि दूध कोई लेता नहीं है तो इसलिए फिर मम्मी मलाई निकाल कर रख लेती हैं और घी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं मलाई थोड़ी सी डाल दे रही हूँ इसमें,
अभी यहाँ पे सब्जी बन के तैयार हो गई है, मटर पनीर की, और साथ साथ में आटा भी गूंद लिया है। तो रोटी जब कोई खाएगा तब देखेंगे। आटा रखा हुआ है और सब्जी तो इतनी सारी रखी हुई है ना, बहुत ज्यादा ये रखी हुई है। भाजी भाजी यानी कि कल रात में हम लोग जब मार्केट से लौटे थे ना, तो भूख लग रही थी। हम लोगों ने सोचा कि चलो जल्दबाजी में कुछ घर पे जल्दी से पहुंच के फिर बनाएंगे खाना वाना। और तो वहां से हम लोग पेटीज वगैरह पैक करवा कर ले आए थे, तो वो खा ली थी। फिर उसी टाइम पे हमारे जो भाई हैं बॉबी भाई, तो वो आ गए थे, तो वो पाव भाजी वहां से पैक करवा कर ले आए थे। तो फिर हम लोगों ने वो खा ली थी। फिर खाना वगैरह किसी ने खाया नहीं था, बनाया भी नहीं था हमने, क्योंकि उन्होंने फोन करके बोल दिया था हमसे कि नहीं हम लेकर आ रहे हैं खाना, पाव भाजी लेकर आ रहे हैं, तो वो खा लेंगे सब लोग। तो ये भाजी बच गई है और पाव भी बच गए हैं। और कल बनाए थे, कल दोपहर में बनाई थी कढ़ी चावल, तो इसी कढ़ी भी रखी है। ये तो दलिया है, और यहाँ पे भरमा बैगन रखे हैं। और अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मटर पनीर का फाइनल लुक कि कैसा बना है। ये है हमारा मटर पनीर, अच्छा दिख रहा है ना? तो अब ये बन के तैयार हो गया है, चलो इसको कवर कर देते हैं और ये खा लेते हैं। तो ये लेकर आई है मम्मी हमारी 5 थाल। हाँ ये बता रही है, मैंने उनसे पूछा था कि ये किस लिए, तो बता रही हैं कि ये 3 थाल में रखेंगे फल और 1 में रखेंगे लड्डू और 1 थाल में रखेंगे, और जो भी रस्म होगी ना, तो उसका सामान 1 थाल में रख देंगे, इसलिए 5 थाल लेकर आई हैं। पहले मैं ये बोल रही थी मम्मी फलों की टोकरी नहीं बन पा रही, तो कहने लगे कि नहीं फलों की टोकरी नहीं बन पा रहे हैं, थाल में रखेंगे फल, तो इसके ऊपर से रखेंगे वो कपड़ा ताकि ये पूरा कवर हो जाएगा ना, तो अच्छा लगेगा। इस टाइप से कुछ ऐसा सोचा है। और यहाँ पे लेकर आई है ये कुछ ग्रॉसरी का सामान, ये है इसमें सब्जी, इसमें भी सब्जी है, इसमें ये आटा पोहा वगैरह जो भी उनका ख़त्म हो गया था वो सारी ग्रॉसरी लेकर आई है। ये मैं भर देती हूँ पहले, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। अगर धनिया का तुड़के इस तरीके से ऐसे कंटेनर में रख देते हैं, धनिया काफी टाइम तक फ्रेश बना रहता है ना। लाइन में जो रहते थे ना, तो वही मतलब उन्हीं के यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आज उनसे मिलने के लिए, क्योंकि सुबह ही सुबह उनका फोन आ गया था कि बेटा तुम यहाँ पे आई हो मायके में, उनसे मिलने नहीं आई हो। बाबू कहते हैं हम उनको प्यार से, मतलब उनके जो बच्चे थे ना उनको बाबू नाम से बोलते थे, बाबू कहते थे उनको। वैसे नाम उनका है यासीन खान, तो आज हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। हम लोगों को बचपन से रखा है उन लोगों ने, इतना प्यार किया है, हमारे नाम वगैरह भी उन्होंने ही रखे हैं। और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था ना कि हमारे जो नाम हैं बुलबुल, लवली, जैकी, बॉबी, ये सारे नाम उन्होंने ही रखे हैं, क्योंकि प्यार ही इतना है और हम लोग का, तो बस इसलिए अभी हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैं अपनी शादी के बाद से उनसे मिलने नहीं गई हूँ। और वो काफ़ी टाइम से बोल भी रहे थे कि बिल्कुल तुम आती हो मिलने नहीं आती हो मुझसे, क्योंकि उनका घर जो है ना काफ़ी दूरी पे हो गया है अब। तो बस बाजी और मैं ही जा रहे हैं, मम्मी नहीं जाएंगी क्योंकि मम्मी का सर दर्द हो रहा है, इसीलिए वो मना कर रही कि मैं नहीं जा रही, तुम लोग हो आओ और हम लोग फिर हमारा जो काम है हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कल से घर में रौनक लगने वाली है, बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं, उन सब से मिलवाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे भाई की जो सगाई की डेट है वो है 22 तारीख, तो 22 तारीख नज़दीक ही है बिल्कुल, तो बस इसीलिए और बस कल से सब लोग आ जाएंगे, मेरी खाला वगैरह सभी लोग, तो
बहुत अच्छा लगेगा घर में। तो बस चलिए आज हम जा रहे हैं उनसे मिलने, और वहाँ पे वीडियो तो शूट नहीं कर पाऊंगी, अगर हो सके तो कर लूंगी। कैमरे के सामने आने में लोग शर्माते भी हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ पे शूट नहीं करूंगी। ओके बाय।